ओके सो क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर देन प्रूव दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ये बताना है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था अभी, जस्ट एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक ये है कि अगर परपेंडिकुलर वाली बात वो करता है तो आप समझ जाना कि मोस्टली आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट ही करना है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए या वेक्टर में कहीं भी क्वेश्चन आए तो परपेंडिकुलर की जब भी बात हो तो समझ जाना डॉट प्रोडक्ट करने को है, और अगर पैरेलल की बात कर रहे हैं तो समझ जाना कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो आप देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप्स ध्यान से देखना क्योंकि मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में क्या है बच्चे फंस जाते हैं, है ना। तो ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन है आपका इस तरीके का। तो आपको गिवन क्या है, गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, ये गिवन है, ठीक है। परपेंडिकुलर की बात कर रहा है और आपको ये प्रूफ करके बताना है कि ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ए और बी अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वन आना चाहिए कि जीरो आना चाहिए। अगर ए और बी जीरो परपेंडिकुलर है तो जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ इसका इसी से ही, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों साइड कर रहा हूँ, ये इसका इससे डॉट प्रोडक्ट करा और यहाँ पर सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कर, ठीक है। अब देखो इसको जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए का ए से करोगे तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ जाएगा, फिर ए का बी से करेंगे तो प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, ऐसा बी का ए से करेंगे तो प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, है ना। और फिर बी का बी से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा, और इस साइड आपके पास है सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो दो इक्वल वेक्टर्स अगर होते हैं और इक्वल वेक्टर्स के अगर डॉट प्रोडक्ट आप निकालते हो तो जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि ए डॉट ए क्या आ जाएगा, आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब देखो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है यहाँ पर, ठीक है। और प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर सकते हो, ठीक है। इसको इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे बी डॉट बी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, और सी डॉट सी क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। अब देखो प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए तो सीधे आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ से आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। और इधर आ जाएगा सी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ से देखो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर, इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कर दो सी स्क्वायर, और प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही हो जाएगा, और इधर क्या आ रहा है आपके इस साइड आ रहा है सी स्क्वायर। तो अब सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो कितना आ रहा है आपका, जीरो, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो जीरो आ रहा है इट मींस क्या है, इट मींस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि हम जानते हैं कि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, तो ही जो है आप उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आता है, जीरो।